हिंदू धर्म में घर में सभी के मंदिर होता है और मंदिर में तमाम प्रकार के देवी देवताओं की प्रतिमा होती है। कौन सी प्रतिमा भूल से भी नहीं रखना चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं विस्तार से। सनातन धर्म में हमारे घरों में तस्वीर या मूर्ति या पाषाण की मूर्ति रखने का विधान है और उनसे उन देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है, लेकिन हमें कौन सी मुद्रा में भगवान की कौन सी मूर्ति नहीं रखना है इसके लिए थोड़ा विचारणीय प्रश्न होता है। इसमें नृत्य करते हुए शंकर भगवान यानी नटराज भगवान की मूर्ति जो तांडव स्वरूप में होती है वह भी नहीं रखना चाहिए। खड़ी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति यह भी हमें नहीं रखना चाहिए, बैठी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति रखना चाहिए और शनि महाराज की मूर्ति भी घर में नहीं रखना चाहिए। राहु केतु से संबंधित यह मूर्ति भी नहीं रखना चाहिए। ऐसी कोई खंडित मूर्ति भी घर में ना हो जिससे घर में नकारात्मक माहौल उत्पन्न हो। घर में सौम्य मूर्ति, सौम्य दर्शन जिससे कि मन प्रसन्न हो, घर में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो, ऐसी मूर्तियां रखें जिससे कि हमारे मन को अच्छा लगे। माता महाकाली की मूर्ति भी घरों में नहीं रखना चाहिए। इन मूर्तियों के पूजन का विधान अलग होता है जो कि घरों में संभव नहीं होता है। घर में हम इनकी उस प्रकार से आराधना नहीं कर पाते हैं जिस प्रकार से इनकी आराधना होनी चाहिए। इसमें इसलिए सौम्य मूर्ति, ऐसी मूर्ति जिसमें हम सबको उनकी कृपा प्रसाद प्राप्त हो, घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, ऐसी मूर्ति रखना चाहिए जो कि दार्शनीय हो। ऐसी मूर्तियों को रखने से हमारे जीवन में कष्ट होता है और सौम्य मूर्तियों को रखने से हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। खंडित मूर्ति यदि हो जाती है तो उस मूर्ति को सरोवर में, नदी में समाहित कर देना चाहिए, खमा देना चाहिए, विसर्जन कर देना चाहिए। और यदि खंडित मूर्ति का पूजन करते हैं तो हमें पुण्य की बजाय पाप का भागी बनना पड़ता है।